तो हम ये समझते हैं कि कल का जो ऐतिहासिक फैसला है वो निश्चित तौर पर जनता को राहत देने वाला होगा। सरकार अधिक अधिकारपूर्ण रहे चुनी हुई, लेकिन जनता को जवाब दे रही, ये भी जरूरी। इस सरकार ने उस फैसले के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया रही वो आप सबके माध्यम से सारी दिल्ली ने भी देखी कि जश्न मनाया जा रहा था, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पहली कैबिनेट के बाद जो उभर के आया कि अब साहब ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो है वो हमारे हाथ में आ गई, और सबसे पहले सेवा सचिव का सेक्रेटरी जो हमारे सर्विसेज के रहते हैं उनके ट्रांसफ़र के रूप में कैबिनेट हुई या उसमें बंधाई बटी और ये फैसला है। हम तो ये मानते हैं कि दिल्ली की कांग्रेस ये मानती थी कि अधिक अधिकार पूर्ण होने से जो फैसले होंगे, जिस तरह हमारी सरकारें हैं जो वायदा करते हैं उस पर सबसे पहले काम करने के लिए, अगर किसानों की ऋण माफ़ी के फैसले हैं, अगर दूसरे फैसले हैं, तो सबसे पहली कैबिनेट में या पहली मीटिंगों में वो फैसले कराने की हमारी प्रथा रही। हम उम्मीद करते थे कि विधिवत कैबिनेट हो दिल्ली की और हजारों हजार वो गैस टीचर, वो ऐसे कर्मचारी, चाहे वो जल बोर्ड के हों, चाहे DTC के हों या दूसरे महकमों के हों, DJB के हों, जिनको इस सरकार में आने से पहले इस पार्टी ने वायदा किया था कि अस्थाई से स्थाई करेंगे, उनको कुछ राहत नज़र आती अगर फैसला ये होता कि उनको स्थाई कर दिया गया। लेकिन ऐसा तो फैसला नहीं आया। फैसला तो जो निकल के आया उसमें ये सेलिब्रेशन हो रहा था कि अब जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र है वो हमारे हाथ में आ गया। हम समझते हैं, दिल्ली की कांग्रेस ये मानती है कि जो पिछले 9 साल रहे, जिस तरह का कथनी कुछ और करनी कुछ रही इस सरकार की, वो आपके माध्यम से दिल्ली की जनता और देश के लोग देखते हैं। जब आप सरकार बनाने से पहले और जब आप पहली बार चुने गए तो बहुत ज़ोर शोर से प्रचार हुआ कि सरकार चलाने के लिए हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बन के आए हैं, हम जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बात करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के खिलाफ हम पर जब प्रचार में जाते थे एक बड़े से थैले में 400 पेज के आरोप पत्र होते थे, वो तो बेचारी स्वर्गवासी हो गई, कोई आरोप उन पर नहीं लगा, न सिद्ध हो पाया, कोई कैबिनेट का कुलीग उनका नहीं कभी चार सीटेड हुआ। लेकिन जो कहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चुने गए हैं, आप हमें बनाएंगे, हमें ना तो बड़ा घर चाहिए, ना हमें सुविधाएं चाहिए, ना ज़्यादा हमें किसी तरह की सुरक्षा चाहिए, ये सब बातें हमने नहीं कही। एफिडेविट देके श्री अरविंद केजरीवाल जी जो इस पार्टी के मुखिया भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ये घोषणाएं की, लेकिन कहा कुछ और गया। अमल अगर उसमें देखा जाए तो कुछ और हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा था और स्वराज में भी लिखा था और 2015 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी आप पार्टी के इसको बड़ी प्रमुखता से कहा गया था कि दिल्ली में जो ठेके हैं शराब के, उस शराब के ठेकों में जो आवंटन होता है वो नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से होता है, उसमें भ्रष्टाचार हो। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ठेके तो सरकारी थे और लगभग मैं कह सकता हूँ कि 70 वार्ड ऐसे थे जिसमें कोई भी ठेका नहीं, 18 विधानसभा ऐसी थी जिनमें कोई भी ठेका, और मैं समझता हूँ कि हम भी 10 साल MLA रहे, हमने तो कोई एक भी चिट्ठी इशू नहीं की किसी को ठेके के। तो जो ये कहते थे कि भ्रष्टाचार होता है, नेता और अधिकारी मिलके आवंटन करते हैं, हमारी सरकार दीजिए, हम आएंगे रायशुमारी से फैसला करेंगे, मोहल्ला सभाओं से तय कराएंगे, महिला समितियों से NOC लेंगे, RWA से NOC लेंगे। और जब कोरोना काल चल रहा था उस विकट परिस्थितियों में, जब दिल्ली की जनता उस वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही थी, लोग सांसें तोड़ रहे थे, लोगों के परिजन ये उम्मीद के साथ किसी तरह की सरकार मदद करे, और सरकार तो कहीं ना कहीं वो
भ्रष्टाचारी आबकारी नीति में व्यस्त बनाने में, उसका भ्रष्टाचार खुल रहा है परत दर परत। हम नहीं कहते किसी क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर मिनिस्टर उन भ्रष्टाचारों में अरेस्ट हैं, बेल नहीं हो रही है, तो ये परिस्थिति बता रही है कि वो नीति तो निश्चित तौर पर दोषपूर्ण थी और भ्रष्ट थी। वैसी परिस्थिति अपने आप को कॉमन मैन के रिप्रेजेंटेटिव कहने वाले, अपने आप को गरीबों के हमदर्द कहने वाले, अपने आप को झुग्गी झोंपड़ी के लोगों को हम आएंगे तो हम उनको सुरक्षित मकान देंगे, हम उनको छत देंगे वायदे करने वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार, गरीबों को तो शायद घर नहीं दे पाई, लेकिन उसी कोरोना काल में बिहाइंड द कार्टन एक महल जरूर दिल्ली में तैयार हुआ, जिसको आप प्रेस के मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, आपके पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दिल्ली की जनता ने देखा। और वो भव्य स्वरूप मुझे तो लग रहा है कोई टैक्स लगा देना चाहिए उसको देखने के लिए, अगर उसको अलाउ करें तो लोग देखना चाहेंगे। कहा यह गया था, ये ट्वीट था श्री अरविंद केजरीवाल जी का, आप जानते हैं ये श्री अरविंद केजरीवाल जी का खुद का ट्वीट था। ये ट्वीट था 27 अक्टूबर 2013 को। इस ट्वीट में क्या कहा है श्री अरविंद केजरीवाल जी, कहते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर 10 एसी लगे हुए हैं, मैंने तो सुना है उनके बाथरूम में भी एसी है, कौन भरता है उन एसी के बिल, ये मैं और आप टैक्स पेयर भरते हैं, मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। ये 2013 का 27 अक्टूबर का श्री अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है। बड़ी अच्छी बात थी, दिल्ली के लोगों को लगा के बड़ा सच्चा हमदर्द आपका नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर आया है, इन्हें तो घर भी बढ़ा नहीं चाहिए आलीशान, ये तो उन पे सवाल उठा रहे। आज हम पूछना चाहते हैं कि उस कोरोना काल में जो ये महल तैयार हो रहा था, जिसमें कहा जा रहा है कि 48 एयर कंडीशन है, जिसमें कहा जा रहा है कि बाथरूम में एसी की बात तब तो सिर्फ ये कही गई थी कि उनके बाथरूम में एसी है, पर उनके यहाँ तो सबका एक्सेस था, हम भी उनके साल विधायक और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। अब ये तस्वीरें जारी हो रही हैं अलग अलग जगह से कि इनके बाथरूम में तो सच में ही एसी नज़र आ रहा है। तो भैया ये क्या है, गरीबों के हमदर्द पार्टी, गरीबों को घर देने की, झुग्गी वासियों को घर देने की, गरीबों को अपनी हमदर्दी से वोट लेने की बात करने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री जी, आपको आलीशान महल नज़र आ रहा था वो शीला दीक्षित जी का घर, उनको कैसे नींद आती होगी। आज हम पूछते हैं कि 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से अगर आपने ये घर बना लिया, जो भी उसके फाइनेंशियल वो रहे, वो तो जांच का विषय ज़रूर होगा, लेकिन क्या आपको नींद आती है, क्या आपने वायदा पूरा किया। उसी शीला दीक्षित ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रहते हुए, उसी दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने 45,000 फ्लैट बना के दिए थे राजीव रतन आवास योजना के तहत, और वीकर सेक्शन को घर देने की योजना के EWS की स्कीम के तहत 45,000 फ्लैट हमारे तैयार थे। आज वो एक भी आवंटन, ये सरकार जो गरीबों की हमदर्द सरकार होने की बात कर रही है, एक भी फ्लैट का आवंटन नहीं किया इन्होंने, एक भी फ्लैट आप गरीब आदमी को छत नहीं दे पाए, 45,000 परिवार सुरक्षित अपना घर महसूस करके वहाँ रहते, बढ़िया फ्लैट बने हुए थे, आप लोगों ने भी देखे थे उनके जर्जर हालात पे जब वहाँ डेथ हुई, वहाँ उन हालातों को देखने आप में से बहुत से साथी हमारे साथ गए थे, बवाना, अलग अलग नरेला, घोगा, अलग अलग जगह पे, लेकिन वो तो ख़त्म हो गए, जर्जर हो गए। किसका नुकसान हुआ, टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान हुआ। अरे आप राजीव जी के नाम पे आपको ऑब्जेक्शन था, आप नाम बदल के दे देते भाई, राजीव रतन आवास योजना के तहत उन मकानों को आपने किसी गरीब को आवंटित किया। तो ये इस सरकार की कार्यशैली है कि गरीबों को मकान देने की जगह एक महल अपने लिए मुख्यमंत्री जी बनवा।
ये हालात है और हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो अधिकार बढ़े हैं, जो अधिकार मिले हैं, उनका उपयोग जनता को मदद करने में किया जाए।